देश के उत्तरी राज्यों में गर्मी का दौर लगातार जारी है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 17 जून को प्रयागराज लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 47 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। उधर औरंगाबाद में 17 जून को तापमान 46.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में गर्मी को देखते हुए समर वेकेशन 25 जून तक बढ़ा दी गई है। यहां स्कूल 26 जून से खुलेंगे। उड़ीसा में गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून के 4 दिन में पहुंचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के राज्य यानी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी गर्मी का दौर लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज हीट वेव चलेगी, तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। बुधवार से दिल्ली के लोगों को राहत मिल सकती है। मंगलवार सुबह यहां न्यूनतम तापमान 33.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। वहीं पंजाब के भटिंडा में 46.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पंजाब के अमृतसर, पटियाला और गुरदास में भी तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहा। अब आगे मौसम कैसा रहेगा उसकी अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 3 दिन यानी 18 से 21 जून तक भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हल्के से मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। ऐसा मौसम अगले 5 दिनों तक रह सकता है। नॉर्थ ईस्ट, अरब सागर और सौराष्ट्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।